तो फाइनली दोस्तों ओप्पो की ओर से कंफर्म है लिस्ट आ गई कि कौन कौन से स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में जो ओप्पो की सीरीज़ ओप्पो की रेनो सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, ओप्पो की ए सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और ओप्पो की एफ सीरीज़, तीनों सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओप्पो के भी यूज़र्स बहुत सारे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि गूगल की ओर से बीटा अपडेट आ चुके हैं और जो ओप्पो के स्मार्टफोन हैं वो किन किन ओप्पो के स्मार्टफोन को ये अपडेट मिलने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो ओप्पो के जो फ्लेक्सी स्मार्टफोन हैं उनको तो ये अपडेट मिल चुका है और जो ओप्पो के जो मिड रेंज स्मार्टफोन हैं उनको कभी अपडेट मिलने वाले हैं। तो हम एफ सीरीज़ की भी बात करेंगे, ए सीरीज़ की भी बात करेंगे, रेनो सीरीज़ तो फ्लेक्सिप सीरीज़ में आई गई, तो ए सीरीज़ की जितनी भी लिस्ट है वो आपको वीडियो के लास्ट में या वीडियो के मिडल में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए वरना आप वीडियो को फिर से देखोगे। तो आइए बात कर लेते हैं ओप्पो के कौन से फोर डिवाइस हैं जिनको ये अपडेट मिल चुका है। दोस्तों अगर हम पहले स्मार्टफोन की बात करें तो वो है ओप्पो की ओर से ओप्पो फाइंड X2, और दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो वो है ओप्पो फाइंड X2 प्रो, और अब थर्ड एंड लास्ट स्मार्टफोन बचता है तो उसका भी नेम बता ही देते हैं आपको, तो वो है ओप्पो फाइंड S2। तो वेल दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अब ए सीरीज़ और एफ सीरीज़ की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड 11 में आपको कौन कौन से नए फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो इस चैनल पे जल्दी देखने को मिलने वाली है, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उससे नेक्स्ट वीडियो ये आएगी कि एंड्रॉयड 11 में आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उस वीडियो में मैंने बता रहा कि आपको डार्क मोड और जितने भी जो हाई रिफ्रेश रेट के फ़ोन हैं ओप्पो के बहुत सारे फ़ोन हैं, तो आप लोग एक ओप्पो यूज़र हो तो उस वीडियो को मिस मत करना हो क्योंकि उस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से न्यू कूल फीचर्स मिलने वाले हैं, उस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आइए बात कर लेते हैं अब ओप्पो के कौन से ए सीरीज़ और एफ सीरीज़ को अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओप्पो के कौन से स्मार्टफोन को अपडेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओप्पो की रेनो सीरीज़ के बारे में। तो ओप्पो रेनो, ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो 2F, ओप्पो रेनो 2Z, ओप्पो रेनो 3, ओप्पो रेनो 3 प्रो, ओप्पो रेनो S, ओप्पो S2। तो रेनो सीरीज़ की बात कर ली हम लोगों ने, अब बात कर लेते हैं कौन से, अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओप्पो की कौन सी ए सीरीज़ को अपडेट मिलने वाले हैं। तो ओप्पो के A9 2019 में जो लॉन्च हुआ था उसको ओप्पो A9X, ओप्पो A11, ओप्पो A31 2020, ओप्पो A5 2020, ओप्पो A9 2020, ओप्पो A12 है, ओप्पो A52, तो इन ए सीरीज़ को ये अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओप्पो के F11 और F15 सीरीज़ के बारे में। तो एंड्रॉयड 11 सबसे पहले स्मार्टफोन है ओप्पो F11 सीरीज़, ओप्पो F15, ओप्पो K3, ओप्पो K5, तो यही कुछ चार स्मार्टफोन हैं। तो एफ सीरीज़ और के सीरीज़ में आपको थोड़े कम स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं क्योंकि जो मिड रेंज स्मार्टफोन है उसमें एंड्रॉयड 11 के आपको अपडेट कम देखने को मिलने वाले हैं। बस दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की ओप्पो के कौन से डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का जो बीटा वर्जन है वो मिल चुका है और कौन से डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के कोई रिलेटिव सैमसंग के डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ऊपर आई बटन में सैमसंग के मैंने बता रखे हैं कौन से डिवाइस को ये अपडेट मिलने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना और अपने रिलेटिव के साथ में व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कर देना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी न्यूज़ आपको चैनल पर मिलती रहती है और अपडेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको चैनल पर मिलती रहती है। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।